दोस्तों नमस्कार, आपका एक नई वीडियो में आप स्वागत है। और मैं आज यहाँ पूरा महादेव मंदिर पर आया हूँ और अभी कांवड़ मेले के बाद का नज़ारा है ये। दोस्तों पूरा महादेव मंदिर मेरठ से 40 किलोमीटर दूर बागपत के पास हिंडन नदी के समीप स्थित है। दोस्तों हमारे देश की धार्मिक विरासतों में शिव मंदिरों की अहम भूमिका है। भारत के अलग अलग प्रांतों में भगवान शिव को समर्पित अनेक प्रसिद्ध और भव्य मंदिर हैं। आज बात करते हैं हम भगवान शिव के एक प्रसिद्ध मंदिर जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है और जिसे पूरा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को एक प्राचीन सिद्ध पीठ माना जाता है। दोस्तों भले ही अन्य क्षेत्रों में ये आया हो लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों की इस मंदिर में ज़्यादा आस्था है। ये मंदिर मेरठ से 40 किलोमीटर दूर हिंडन नदी के तट पर बागपत जिले में है। और दोस्तों पूरा महादेव गांव है ये जहाँ स्थित है। दोस्तों प्राचीन इतिहास के अनुसार रेणुका महर्षि की पत्नी पौराणिक काल में प्रतिदिन नए मिट्टी के घड़े में पूरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए इस नदी से जल लेकर, जो कि हिंडन नदी है यहाँ के बराबर में ही, मैं आपको दिखाऊंगा, शिवलिंग पर अभिषेक करती थी। और दोस्तों बड़ी प्राचीन बातें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये मेन द्वार है जहाँ की सभी श्रद्धालु आए हैं दूर दूर से जो जलाभिषेक कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों सामने देख सकते हो आप शिवलिंग पूरा महादेव मंदिर का, जहाँ की सभी भक्त अपनी अपनी आस्थाएं लेकर आए हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। दोस्तों जय भोले की। दोस्तों इस प्राचीन मंदिर का जो दृश्य हमारी धार्मिक भावनाओं को उजागर करता है। कहा जाता है कि यह पवित्र शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। यहाँ स्थित शिवलिंग हजारों साल पुराना है। मान्यता है कि यह शिवलिंग भगवान परशुराम द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों भगवान परशुराम ने अपने जीवन काल में किए गए पापों से मुक्ति के लिए इस स्थान पर तपस्या की थी। दोस्तों ये शिवलिंग अपने आप में एक अजूबा है। ये धरती में गहराई तक समाया हुआ है। इस शिवलिंग की गहराई का आज तक किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस शिवलिंग की गहराई को मापने के लिए अनेक बार प्रयास किए गए किंतु ये सारे प्रयास आज तक असफल रहे। बहुत वैज्ञानिक भी आए दोस्तों यहाँ पे, पुरातत्व विभाग वाले भी आए, लेकिन यह जो शिवलिंग है पूरा महादेव मंदिर में इसकी गहराई को कोई नाप नहीं सका। और दोस्तों इसके बारे में आपको आगे भी बताऊँगा मैं, आगे चलते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने का असफल प्रयास किया था। रस्सियां बांधकर हाथी द्वारा इस शिवलिंग को बाहर निकालने का प्रयास भी किया गया लेकिन इसके बाद ये शिवलिंग जड़ से नहीं निकाला जा सका। अब अगर आप इस शिवलिंग को देखेंगे कभी तो ये थोड़ा सा झुका हुआ है दोस्तों। ऐसा औरंगजेब के शिवलिंग और मंदिर को ध्वस्त करने के असफल प्रयासों के कारण है। शिवलिंग पर चोट के भी निशान है। ये निशान हमलावरों द्वारा भारी हथौड़ों से प्रहार किए गए थे। और दोस्तों कभी आना हो पूरा महादेव मंदिर के दर्शन करने हो, कभी आओ तो आप शिवलिंग को ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों हमने आपको जो जानकारी दी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। आपका ही चैनल है दोस्तों श्री परशुरामेश्वर महादेव मंदिर, जो कि आज मैंने आपको दर्शन कराए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। जय भोले शंकर।